अब तक हमने कौरव पांडवों ने किससे शिक्षा ग्रहण की तथा नगर में समारोह का आयोजन तथा उसमें अनेक रण कौशल के विषय में जाना। अब हम आगे देखेंगे कि सभा में उपस्थित कृपाचार्य ने क्या किया। तो प्यारे बच्चों देखिए, कृपाचार्य ने सभा में उठकर कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, तुम अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। कृपाचार्य जो कि कौरव पांडव के पहले गुरु थे, उन्होंने कर्ण से कहा कि अय वीर तुम्हें तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके पुत्र हो और किस राज परिवार से, किस राजकुल से तुम विभूषित करते हो। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। जब कर्ण ने यह सुना कृपाचार्य से कि गुरु हमसे ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, किसका पुत्र हूँ, किस राजवंश से हूँ, तो उसका शर्म के नाते सिर झुक गया। दुर्योधन ने सभा में खड़े होकर कहा कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ, रंगभूमि में ही राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सभा में जब इस बात को दुर्योधन ने सुना कि कर्ण के विषय में कृपाचार्य जानना चाहते हैं, और इस समय उठ करके उसने कर्ण के पक्ष में बोला कि यदि बराबरी की बात है तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा अभी नियुक्त करता हूँ। सभा में बूढ़े सारथी अधीरथ जिसने कर्ण को पाला था, कर्ण ने उसके आगे सिर नवाया, बूढ़े ने भी उसे बेटा कहकर गले लगा लिया। उस समय सभा में जो है सारथी जिसका नाम अधीरथ था, जिसने कर्ण को पाला था, आकर के बेटा कह करके कर्ण को गले लगा लिया। अब कर्ण ने सभा में ही उसके सामने सिर को झुका लिया। यह सब देखकर भीम हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबो, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए। सभा में मौजूद थे भीम, उन्होंने जब ये जाना कि ये तो किसी राज्य परिवार का नहीं है, ये तो सारथी का पुत्र है, तो उपहास करते हुए बड़े जोर से हंसे और बोले कि तुम्हें अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करना है, तुम केवल अपने हाथ में चाबुक लो, यही तुम्हें शोभा देगा, क्यों कि तुम सारथी बनने लायक ही हो और द्वंद्व युद्ध करने योग्य नहीं हो। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। ये जब बात हो रही थी उस समय सायंकाल का समय था, सूर्यास्त हो रहा था और सभा विसर्जित हो गई। तो बच्चों आप लोग इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना और ध्यान से, कहीं कोई गलती ना हो, जो चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।